वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक और वो है बायो मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये टॉपिक हमें समझने के लिए बहुत ही इजी लगता है और बहुत बार तो क्या होता है कि जो हम पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को स्किप ही कर देते हैं। इजी क्यों है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि अरे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में तो स्टडी करना है, और अगर यही स्टडी करना है ये तो हमें पता है, इसके क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। और तो इसीलिए ये टॉपिक आपको ईजी भी है, साथ में ही इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये चैप्टर प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज होता है 5 to 6 मार्क्स का। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं जैसे हमारे टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एक ऐसी मॉलिक्यूल्स है, काफी बिगर इन साइज होते हैं और साथ में ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम सभी देख लेते हैं कि अंडर बायोमोलिक्यूल्स हम क्या क्या टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आता है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स, हम इस चैप्टर में प्रोटीन्स भी स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन्स, देन हम स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। सो ये जितने भी टॉपिक है इन सभी के बारे में हम इस बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में स्टडी करने वाले, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे फ्रेम होते हैं एंड स्पेसिफिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो आराम से फ्रेम हो सकते हैं। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं जो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करूंगी वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, और आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स के ही हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है, देखो इस अकॉर्डिंग टू इट्स नेम यहाँ पर दो वर्ड्स से जुड़ा हुआ है ये, एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। इट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या है, कार्बन के हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, इसे कहा जाता है हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू CH H2O और यहाँ पर आ जाएगा Y। सो ये इन्होंने सबसे पहले जो है फॉर्मूला दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट्स का ये फॉर्मूला होता है। और उस वक्त पे क्या हुआ कि जब ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला की बात हो रही थी तो बहुत सारे कंपाउंड्स भी उस वक्त पे थे, तो वन बाय वन इसको रखा गया। जैसे कि अगर मान के चलो आप यहाँ पर 6 रखो, X की जगह 6 रखा और Y की जगह अगर हमने 6 रखा तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, यहाँ पर 6 रखा, इट मीन्स C6H12O6, और C6H12O6 जो है ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं ग्लूकोज का भी हो सकता है, अगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहा तो फ्रक्टोज का भी हो सकता है। तो हमने ये कहा कि भाई ये फॉर्मूला उन सब का होता है जिस जो क्या है नेचर में कार्बोहाइड्रेट होते, ये हमारा बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में हमने क्या स्टडी किया कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो इस फॉर्मूला में को कुछ तो फिट हो जाते हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल फिट नहीं होती। कैसे? चलो मैं बताती हूँ। जैसे अगर मान के चलो इसमें आप अगर 1-1 वैल्यू रखते हो तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप 1 वैल्यू रखो तो ये C1 रहेगा और ये बन जाएगा H2O। और स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला है? ये एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे CH, यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं जैसे CHO तो ये किसका हो गया, HCHO, ये तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, और अल्डिहाइड तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट के क्या नहीं दिखाता, कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता, और इसीलिए ये क्या नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है बस इस फॉर्मूला में अच्छे से नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर तो हम ले सकते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस जो है ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला अभी हम देखेंगे कि ये है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाता है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी दिखाता है, पर ये क्या नहीं करता, ये आपको
ये है क्या, ये है तो कार्बोहाइड्रेट ही है बट ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो सकता क्योंकि इसका इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है C5H10O4। सो स्टूडेंट इन दोनों दोनों की वजह से, ये दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से, एक जो है वो फॉर्मूला में फिट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक जो है वो फॉर्मूला में फिट नहीं होता बट फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी। और फिर डेफिनेशन क्या बनाई है कार्बोहाइड्रेट की, चलो मैं बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। इसको मिटा देते हैं, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच हैव एटलीस्ट वन काइरल कार्बन, जिसके पास में एक दो काइरल कार्बन होना चाहिए। ये बना दी है इसकी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की। तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन को प्रॉपरली समझ लेते हैं कि क्या है ये डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स क्या, उसके पास ज्यादा OH है बट वो होगा क्या, अल्डिहाइड होगा या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। और वो क्या करते हैं, उन सभी में कोई एक तो कार्बन ऐसा होगा जो कि काइरल इन नेचर होता है। काइरल मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, हमने हैलो एल्केन्स हैलो एरिन्स चैप्टर पढ़ चुके हैं। सो काइरल मीन्स क्या होता है कि अगर कोई, जैसे हमें पता है कि कार्बन की चार वैलेंसीज है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज चार डिफरेंट ग्रुप ने अगर चारों वैलेंसीज अगर चार डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड थे या एटम से अटैच्ड है तो उसे कहा जाता है काइरल। ये हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में स्टडी कर चुके हैं। ओके सो अभी हम यहाँ पर हमने डेफिनेशंस देखी, चलो अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उन सबको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। आई होप आपको इसका इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपने अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स। देखो थ्री फैक्टर्स पे जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से थ्री फैक्टर्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है वो है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में भी हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या फिर अपॉन हाइड्रोलिसिस देते हैं, ठीक है। सो उन सबको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। सो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है बेस्ड ऑन टेस्ट। किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन टेस्ट। और नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो चलो अभी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। चलो देखो अभी हमारे सबसे पास में आ गया है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इस कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है थ्री मोर टाइप्स में। कितने टाइप्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, थ्री मोर टाइप्स में। और वो थ्री मोर टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट जो है वो है मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं हम उसको, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। सेकंड जो होता है वो होता है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होता है वो, ओलिगोसैकेराइड्स। और थर्ड जो है वो उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहते हैं हम इसको, पॉलीसैकेराइड्स। सो चलो अभी वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सैकेराइड्स क्या होते हैं। सैकेराइड्स ये कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम होता है। क्या होता है, सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट को ही हम सैकेराइड्स कह सकते हैं। अब आते हैं हमारे वन बाय वन, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। या फिर मैं आपको बेस्ड ऑन टेस्ट भी बता देती हूँ कि किस टाइप से ये क्लासिफाई होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दीज आर क्लासिफाइड एज, यहाँ पर हम इसको कहते हैं शुगर्स, और दूसरा आ जाता है नॉन शुगर्स।
एक शुगर्स कहते हैं और दूसरा हम कह रहे हैं उसको नॉन शुगर्स। अब हम आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे। रिड्यूसिंग नेचर पे ये किस तरीके से वर्क करता है? रिड्यूसिंग नेचर में भी हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? हमने क्लासिफाई ऐसे किया है, हम पहले तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहा हमने? रिड्यूसिंग शुगर्स। और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टडी। क्या होता है ये? तो अभी हम आ रहे हैं मोनोसैकेराइड्स पे। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स मींस होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है? याद रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनको हम वैसे हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। आप इसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते और फिर उसको कहा जाता है मोनोसैकेराइड्स। इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो हम इसको इस पेन से लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप मान के चलो, इसका फॉर्मूला होता है CH2O और यहां पर आ जाता है N। CH2O जो होता है इसमें N लिखा जाता है और जो N का नंबर है, जो N का नंबर वो मैक्सिमम कह सकते हैं हम 3 to 7 तक होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या हुए? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मीन्स क्या हुआ कि जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज किया तो उसमें से कुछ और कार्बोहाइड्रेट निकल आया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर अभी हम देखेंगे इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमने क्या कहा, ये है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स मींस क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स मींस होता है विच गिव 2 to 10, कितने? विच गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। विच गिव